सभी देवतागण गयासुर को भूमि पर स्थिर रखने का भरसक प्रयास तो कर रहे थे, किंतु समय गयासुर की असीम शक्ति के समक्ष पर्याप्त नहीं था। यज्ञ की पूर्ण आहुति करनी पड़ती है, इसलिए मुझे भी इस यज्ञ की समाप्ति करनी होगी। तथा सभी देवता महादेव की सहायता के लिए प्रार्थना करने लगे और अंततः महादेव प्रकट। गयासुर नारायण का परम भक्त है, इसलिए इतना बल उसमें नारायण की परम भक्ति से ही उत्पन्न हो रहा है। इसलिए आपकी समस्या का समाधान तो नारायण ही कर सकते हैं, इसलिए आप सभी नारायण का ही आह्वान कीजिए। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नारायण नमः। हे प्रभु, मैं तो आपके चरणों के तले स्थान पाकर धन्य हो गया। प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पूरा जीवन अचल आपके चरणों के नीचे स्थित रहूं। मैं तुम्हें आदेश देता हूं गयासुर कि तुम धरती में समा जाओ, ताकि कोई भी अपने पापों का प्रायश्चित किए बिना मात्र तुम्हारे निकट आकर मोक्ष न प्राप्त कर सके। प्रभु मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा। तुम्हारे इस त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो गयासुर, वरदान मांगो। मैं तो आपका भक्त हूं प्रभु, और आपके भक्त को किसी भी स्थिति में मात्र जन कल्याण ही सूझता है। इसीलिए आप मुझे ये वरदान दीजिए कि आप मेरे हृदय में सदैव जब तक सृष्टि रहेगी श्री विग्रह रूप में स्थित रहेंगे प्रभु, और इस क्षेत्र में जो भी अपने पूर्वजों का पिंड दान करेगा उसे सद्गति की प्राप्ति होगी प्रभु। तथास्तु। गयासुर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि भूमि में समाने के पश्चात तुम्हारे शरीर के ऊपर की भूमि को पवित्र गया भूमि कहकर पुकारा जाएगा, और जो कोई भी अपने पूर्वजों का पिंडदान इस भूमि पर करेगा उसके पितरों को सदगति प्राप्त होगी, और जिस दिवस इस पावन भूमि पर पिंडदान होना बंद हो गया उस दिवस तुम्हें धरती के ऊपर आने की अनुमति होगी। मुझे मनोवांछित फल देने के लिए धन्यवाद प्रभु। अब कृपा कर आपके आदेश का पालन करने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु। पुत्रों, ज्ञानरी के पिशाच और सुबोध को गया ले जाओ। वहां सुबोध से उसके पिता का पिंडदान करवाओ, और उसे पिशाच योनि से मुक्त कराकर ज्ञानरी को दिए अपने वचन को निभाओ। उचित है माता,
हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका धन्यवाद माता। ऋषिवर की अवस्था तो और भी गंभीर होती जा रही है। पानी माँ, ऋषि जगेश्वर तो अत्यंत रुग्ण अवस्था में प्रतीत हो रहे हैं। हाँ पुत्र, ऋषिवर की स्थिति तो बिगड़ती ही जा रही। यदि वो अन्न और जल से वंचित रहे तो शीघ्र ही उनका अंत हो जाएगा। और अब उनके जीवन की मात्र 30 श्वासों की अवधि शेष। महादेव, महादेव। माँ, यदि हम पिताश्री के काशी आगमन का उपाय नहीं कर सके तो हम सब ब्रह्म हत्या के दोष के भागी बनेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी कुमार कार्तिकेय मंदिर के भीतर गए, फिर अचानक बाहर आए और तीव्र गति से कहीं और चले गए, फिर लौट कर आए और मंदिर के भीतर चले गए, और अभी भी मंदिर के भीतर ही है। महादेव, महादेव। पिताश्री, प्रभु गणेश जी और गुरुदेव तो लौट रहे हैं, किंतु वो अपने साथ किसे ला रहे हैं? महादेव, महादेव, महादेव। ओम नमः शिवाय। 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 धीरज रखिए ऋषिवर, आपको कुछ नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। ऋषि है माता के मंदिर से आ रहे हैं, अवश्य माता ने उन्हें मेरी सहायता के लिए भेजा होगा। ओम नमः शिवाय। प्रभु गणेश जी, गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। ये ऋषि मुझे अस्वस्थ प्रतीत हो रहे हैं, मैं इनके लिए अभी जल लेकर आता हूँ। नहीं वत्स सुबोध, तुम रुको। ज्ञानारी जी, ऋषि जगेश्वर अभी अत्यंत गंभीर अवस्था में है और वो तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक उन्हें पिताश्री के साक्षात दर्शन नहीं हो जाते। इसमें आपको क्या कठिनाई है गणेश जी, आप तो स्वयं महादेव पुत्र हैं, आप उनका आह्वान करेंगे तो अवश्य प्रकट होंगे। नहीं ज्ञानारी, पिताश्री का यहाँ काशी में प्रवेश करना संभव नहीं, हमें कैलाश जाकर किसी उपाय से पिताश्री को ऋषि जगेश्वर के लिए यहाँ आने के लिए सहमत करना होगा, क्योंकि ऋषिवर के जीवन की रक्षा का बस यही एकमात्र उपाय है। तो फिर मेरी मुक्ति का क्या होगा? माँ ने स्पष्ट किया है, तुम्हारी मुक्ति के लिए हमें गया जाना होगा। आपने इतने समय बड़े धैर्य का परिचय दिया है ज्ञानारी जी, किंतु थोड़ी और प्रतीक्षा कीजिए, हम आपको गया अवश्य ले जाएंगे, किंतु उसके पूर्व हमें ऋषिवर की अवस्था को सुधारने का उपाय करना होगा। समझ गया, सब समझ गया मैं। पहले मुझे कहा गया काशी चलो, फिर कहा गया गंगा में स्नान करो, फिर पिशाच मोचन तीर्थ करो, फिर माता के मंदिर चलो, और फिर अब गया चलो, यहाँ चलो वहाँ चलो, ये करो वो करो, और अब आप दोनों ने इस ऋषि की अवस्था का दायित्व उठा लिया। इनके प्राण जाने को है तो महादेव के दर्शन होना चाहिए, तो इनके प्राणों की रक्षा होगी। मैं तो पूर्व से ही मृत हूँ और
एक मृत पिशाच की समस्या इस जीवित ऋषि के कष्ट से कम महत्वपूर्ण है। मेरी समस्या से ऊपर मैं किसी की समस्या को स्वीकार नहीं करूंगा। ये ऋषि तो स्वयं अपने प्राण त्यागने को आतुर है, ये उनका आर्ट है, तो क्यों ना मैं ही उनकी सहायता कर दूं, मैं ही उनके प्राण ले लेता हूं। जब इनके प्राण ही शेष नहीं रहेंगे तो इनकी समस्या का स्वतः ही अंत हो जाएगा। अब इनकी आत्मा और मुझे दोनों को गया ले जाइएगा और वहां हम दोनों का विधिवत श्राद्ध और पिंडदान करवा दीजिएगा। हम दोनों ही मुक्त हो जाएंगे। रुकिए ज्ञानारी जी। नहीं, मात्र यही मार्ग शेष है और कोई अन्य उपाय नहीं हो सकता। जब तक इसे दंड नहीं दूंगा ये पिशाच रुकने वाला नहीं है। भैया रुक जाइए, जब तक जीवित थे आप निरंतर पाप करते रहे और अब मृत्यु पर्यंत भी आप पाप कर रहे हैं, हत्या करने जा रहे हैं, वो भी एक तपस्वी ऋषि की, महादेव के परम भक्त की हत्या करेंगे आप। ज्ञात भी है आपको यदि आपने ऋषि जगश्वी का स्पर्श भी किया तो महादेव के कोप के भागी बनेंगे आप, उनकी क्रोधाग्नि भस्म कर देगी आपको। ये निराशा के प्रभाव में मैं क्रोध के आवेग में बह गया, किंतु मुझे जो चाहिए उसके लिए मुझे कितनी और प्रतीक्षा करनी होगी। ज्ञानारी जी, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में विलंब हो रहा है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप किसी अन्य के प्रति हिंसक हो जाएंगे। एक दुर्बल अस्वस्थ ऋषि पर आक्रमण कर बैठेंगे। गणेश जी, कुमार कार्तिके, मैं कुशल हूँ, मैं अशक्त अवश्य हूँ, किंतु मेरी पीड़ा इस पिशाच की पीड़ा की तुलना में कुछ भी नहीं। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी तो भक्ति में ही शक्ति है। मेरा विश्वास है कि महादेव और माँ जगत जननी मेरा कुछ अनिष्ट नहीं होने देंगी। हाँ ऋषिवर, आप सत्य कह रहे हैं। मूषक जी, प्रभु आप यहीं रुकिए ऋषिवर के निकट। कैसी आपकी आज्ञा प्रभु? हमें सर्वप्रथम अपना वचन निभाने गया जाना होगा। माता, आपको इस प्रकार काशी में एकाकी छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा है, किंतु आपके आदेश का पालन करने हेतु सर्वप्रथम हम ज्ञानारी जी की सहायता करने, उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने, उन्हें गया ले जाएंगे। हम ज्ञानारी जी को शीघ्र मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे, जिससे शीघ्र यहाँ आकर आपको एवं पिताश्री को मिलाने का प्रयास कर सके। माँ, मैं भी बड़ी अधीरता से उसी दिवस की प्रतीक्षा कर रही हूँ पुत्र, जब स्वामी के अंश से पुनः मेरा संयोग होगा। समान मुझे अतृप्त आत्माएं दिखाई दे रही हैं, अर्थात ये वही स्थान है जहां मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। माता का सुझाव
सर्वथा उचित था। इस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए हमें श्राद्ध करना होगा, परंतु मुक्ति कितनी आसानी से मिलेगी वो इस बात पे तय होगी कि जिनका पिंडदान हो रहा है वो अपने जीवन काल में कितने पाप किए हैं। पिताश्री ने तो अनेकों पाप कर्म किए हैं, उनके लिए मुक्ति पा पाना कैसे सरल हो पाएगा। किंतु जो भी हो, हमें अपने दिवंगत संबंधियों को पूर्ण रूप से मुक्ति दिलाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, यही हमारा धर्म है। पितृलोक वो लोक है जहाँ हमारे पूर्वजों की आत्माओं का वास होता है। चंद्रलोक स्वर्गलोक से भी उच्च स्थान पितृलोक का होता है। यदि किसी का उचित प्रकार से श्राद्ध कर्म ना किया गया हो तो मृतक की आत्मा भटकती रहती है, उसे शांति केवल उचित प्रकार से किए श्राद्ध कर्म से ही मिल सकती है। अर्थात क्या यहाँ मेरे पिता का श्राद्ध कर देने से उनकी आत्मा को सद्गति प्राप्त होगी? निसंदेह। किंतु ब्राह्मण देवता, ये श्राद्ध कर्म होता क्या है? इस श्राद्ध का फल तुम्हारे पूर्वजों को मिलेगा, इसी से उन्हें शीघ्र मुक्ति पाने में सहायता मिलती है। इसमें तीन विधियां होती हैं: जलदान, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन। जलदान के द्वारा उस आत्मा को जल प्रदान होता है, पिंडदान के द्वारा तृप्ति होती है और ब्राह्मण भोजन के द्वारा शेष पूर्ति होती है। अब हम पिंडदान से आरंभ करेंगे। किंतु ब्राह्मण देवता, ये पिंड क्या होता है? गणेश जी, मैं आपकी ये जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। किसी भी गोलाकार वस्तु को पिंड कहते हैं। जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये पूरा ब्रह्मांड ही पंच तत्वों जल, अग्नि, तेज, वायु और पवन से बना हुआ है। उन्हीं पांच तत्वों से अपना शरीर भी बना हुआ है, इसलिए पिंड ब्रह्मांड का प्रतीक है और ब्रह्मांड पिंड का। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी एक पिंड ही है, और पितरों का पिंड दान इसलिए किया जाता है ताकि उनका पिंड अर्थात इस शरीर रूपी पिंड से आशक्ति छूट जाए और वो आगे की यात्रा आरंभ कर सकें और दूसरा पिंड या दूसरा शरीर या मोक्ष पा सकें। ब्राह्मण देव, हम पिंड दान का महत्व तो समझ गए, किंतु ये जल तर्पण क्यों आवश्यक है? मृत व्यक्ति की आत्मा को जल की बहुत प्यास होती है, किंतु उसे किसी भी जल के स्रोत के निकट जाने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए उसके पुत्र द्वारा दिया गया जल उसकी प्यास बुझाता है और वही जल वो आत्मा ग्रहण करती है, इसलिए जल का तर्पण परम आवश्यक है। तो इसलिए माता गंगा ने ज्ञानारी जी के पिशाच को अपने जल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। अब आप सभी को समझ आया कैसी यंत्रणा सह रहा हूँ मैं? इसीलिए तो आपसे बार बार कह रहा हूँ, मुझे इस पिशाच जीवनी के कष्ट से मुक्त कराओ, मुक्त। और पितरों और देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दो ब्राह्मणों को भोजन कराना इसीलिए आवश्यक है, क्योंकि देवताओं को महाभोग प्रस्तुत किए बिना तो कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। और ये तो श्राद्ध है, और उच्च लोक में स्थित पितर देवताओं के समान ही होते हैं, और इसीलिए पितरों को प्रसन्न करने हेतु उन्हें भोजन प्रदान करना तो अति आवश्यक है। मैं उचित कह रहा हूं ना ब्राह्मण देव? आपने सर्वथा उचित कहा कुमार कार्तिकेय जी। ब्राह्मण देवता, कृपया करके हमें ये भी बताइए कि किसी भी मृत व्यक्ति का पिंड दान कब आरंभ करना चाहिए? मनुष्य की मृत्यु के उपरांत प्रथम दिन से ही पिंडदान प्रारंभ करना चाहिए। किंतु यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण अथवा अज्ञानतावश कोई अपने निकट संबंधियों का पिंडदान करने में असमर्थ रहा हो, तो जैसा कि ज्ञानारी के साथ हुआ, तो इस भूल को सुधारने का क्या उपाय है? यदि मरणोपरांत किसी का पिंडदान ना हो तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। तब मृत जीव की आत्मा किसी न किसी रूप में आकर अपने संबंधियों को अवश्य सताती है। ब्राह्मण देवता, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं।
हमारे साथ भी यही हुआ है। किंतु समस्या का निवारण भी संभव है। गया की पावन भूमि है वो समाधान। जिस आत्मा का पिंडदान मृत्यु के समय नहीं हो सका, उस आत्मा का पिंडदान इस गया में संभव हो सकता है। और पिंडदान होते ही उस मृत शरीर की आत्मा का अपने मृत शरीर से मोह भंग हो जाएगा और उस पिंडदान के प्रभाव से उसे एक नवीन शरीर प्राप्त होगा जिसके द्वारा वो उत्तम लोकों की यात्रा करेगी। नवीन शरीर अर्थात ब्राह्मण देवता। मृत्यु परांत प्रथम दिवस से जैसे ही पिंडदान की विधि आरंभ होती है, तभी प्रतिदिन उस आत्मा के लिए एक नवीन शरीर उत्पन्न होने लगता है और ये प्रक्रिया 10वें दिवस में जाकर समाप्त होती है। नवीन शरीर? तो क्या मुझे भी नवीन शरीर प्राप्त हो जाएगा? फिर मुझे मुक्ति पाने की क्या आवश्यकता है? इस नवीन शरीर को यातना शरीर कहते हैं। यातना शरीर? किंतु उसे यातना शरीर क्यों कहा जाता है ब्राह्मण देवता? अब हम विधिवत पिंडदान की प्रक्रिया आरंभ करेंगे और आप स्वयं इस पिशाच के नवीन शरीर ग्रहण करने के प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। सबसे पहले जनेऊ को अपने दाहिने कंधे पर ले आइए, जिसको आप सभ्य बोलते हैं। हाँ, प्रथम पिंडदान लीजिए। पहले हाथ में जल रखिए, तिल रखिए और पिंड रखिए। सामने अर्पण कर दीजिए। मेरा शीश। प्रथम दिवस के पिंडदान से यातना शरीर के शीश और कपाल का निर्माण होता है। द्वितीय दिवस के पिंडदान से यातना शरीर के ग्रीवा एवं कंधे उत्पन्न होते हैं। तृतीय दिवस के पिंडदान से उनके हृदय की रचना होती है। चतुर्थ दिवस के पिंडदान से उनके पेट और पृष्ठ भाग का निर्माण होता है। पंचम दिवस के श्राद्ध से नाभि का निर्माण होता है। छठम दिवस के पिंडदान से कटी प्रदेश का निर्माण होता है। सप्तम दिवस के पिंडदान से गुई भाग का निर्माण होता है। अष्टम दिवस के पिंडदान से उरु का निर्माण होता है। नवम दिवस के श्राद्ध से तालु और पांव का निर्माण होता है। ये नवीन शरीर तो मुझे स्वीकार ही नहीं कर रहा है। शरीर ना सरलता से आत्मा को छोड़ता है ना ही स्वीकारता है। इसके लिए तो आत्मा को बार बार प्रयास करते रहना होगा। ब्राह्मण देवता, इनका तो संपूर्ण शरीर ही प्रस्तुत हो गया, तो फिर दशम दिन के पिंडदान से क्या होगा? उससे जो भी हो, तुम तो शीघ्र मेरा पिंडदान कर डालो पुत्र, क्योंकि अभी तक जो भी हुआ उसे बहुत प्रसन्न हूं मैं, क्योंकि मैं पुनः पूर्ववत हो गया हूं। दसम दिवस के पिंडदान से उस शरीर की पूर्णता, क्षुधा और प्यास की उत्पत्ति होती है। मैं भूखा हूँ। मैं प्यासा हूँ। मुझे भोजन चाहिए। मुझे जल दो। मेरा कंठ प्यास से झुलस रहा है। मृत व्यक्ति की आत्मा को जल की बहुत प्यास होती है। पिताश्री, चिंता की कोई बात नहीं वत्स सुबोध। 10वें दिवस के पश्चात 11वें और 12वें दिवस पिशाच भोजन ग्रहण करता है।
और वो भोजन आपके द्वारा दिया जाने वाला पिंड है, इसलिए आप पिंड दान कीजिए। भोजन प्यास कितना प्यासा था मैं, अब तृप्त हुआ हूं मैं। वत्स सुबोध, अब आपको साहस का परिचय देना होगा। ये ब्राह्मण मेरे पुत्र को साहस रखने के लिए क्यों कह रहा है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ब्राह्मण देवता? ऐसा क्या होने जा रहा है अब? वत्स सुबोध, अपने पिता को आप अंतिम बार देखने जा रहे हैं और इसके उपरांत उसकी यातना की उच्च लोकों की यात्रा प्रारंभ होगी, जो तुम्हारे पिता के लिए अत्यंत कठिन अनुभव होगा और जिसका साक्षी बनना आपको भी कष्टदायक होगा। ब्राह्मण देवता, क्या इस यात्रा में मैं अपने प्रिय पिता की कोई सहायता कर सकता हूँ? हाँ वत्स, एक बार वो पृथ्वी की परिधि से बाहर निकल जाएं, तो यमलोक पहुंचने तक उनकी यात्रा का प्रत्येक दिवस हमारे लिए एक मास के समान होगा, इसीलिए प्रत्येक मास को आप उनका पिंडदान करोगे। यमलोक पहुंचने के उपरांत उनका एक दिवस हमारे लिए एक वर्ष के समान हो जाएगा। हाँ। इसीलिए प्रथम वर्ष के उपरांत एक वर्ष के बाद ही पिंड दान करना आवश्यक होता है। किंतु मेरे पिता की मृत्यु को एक वर्ष तो बीत चुका है। तुम्हारे पिता की मृत्यु को एक वर्ष पूर्ण होने के कारण हम उनके लिए मासिक पिंड दान अभी एक के बाद एक साथ ही संपन्न करेंगे। ये गया में ही संभव है वत्स, इसलिए अब 13वें पिंड का दान करेंगे। पिताश्री, मैं आपका पुत्र सुबोध संपूर्ण विधि विधान से आपका पिंड दान और श्राद्ध पूर्ण करूंगा, क्योंकि अब मैं आपको और कष्ट में नहीं देखना चाहता हूँ। इसीलिए अब जो भी परिणाम हो, आप विश्वास रखिए पिताश्री, मैं संपूर्ण विधियों को संपन्न कर आपकी मुक्ति की प्रार्थना करूंगा। 13वां पिंडदान प्रारंभ करें वत्स। पिंडदान के साथ आत्मा को यमदूत बंदी बनाकर ले जाने के लिए आते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं पिशाच होने वाली कुशल हूँ। जलना तो तुम्हें अवश्य होगा। अपने पापों का परिणाम भुगत कर पर्वती जीवन में प्रवेश करने। पाप? मैंने कोई पाप नहीं किया। आप किसी अन्य ज्ञानरी को लेने आए होंगे, भूलवश मुझे दंड देने आ गए। हाँ, मैं तो एक मात्र पिशाच हूँ, और वैसे भी इस पिशाच योनि में अनेकों यातनाएं सह चुका हूँ मैं, तो और क्यों भुगतू मैं? हाँ, और क्यों सहूं? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना।
ये आपने क्या किया गणेश जी? मुझे ऐसी मुक्ति थोड़ी चाहिए हा? मुझे नहीं चाहिए ये यातना शरीर। मैं पिशाच बनकर ही कुशल हूँ। आप कह दीजिए इन यमदूतों को मुझे छोड़ दे और चले जाए यहाँ से। मैं आपके साथ कैलाश लौट चलूंगा। वहीं किसी वृक्ष की शाखाओं में लटका रहूंगा। कह दीजिए इन्हें। ज्ञानारी जी, आप अनंत काल तक पिशाच नहीं रह सकते। आपके पुत्र सुबोध ने आपका पिंड दान किया है जिससे आपको पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो, और अब आपको मृत्यु उपरांत आगे के मार्ग पर जाना ही होगा। और इस कठिन यात्रा में आपका सहायक बनने हेतु सुबोध प्रत्येक मास आपका पिंड दान करेगा। ये सब आपका ही षड्यंत्र है ना? आपको ज्ञात था ना, इस यात्रा में मुझे कष्ट होगा। मेरे जीवन में भी आपने मुझे दंडित किया, उससे संतुष्ट नहीं हुए आप? मृत्यु के बाद भी मुझे दंडित करना चाहते हैं आप? नहीं भैया, उन्हें जो कहना है उन्हें कहने दीजिए। वो अभी भयभीत है, और जब भी उन पर भय छाता है तो वो उचित अनुचित का भेद भूलकर कुछ भी कह जाते हैं। ज्ञानारी, मेरे अनुज गणेश ने मुझे शांत होने के लिए कहा है, किंतु फिर भी मैं ये बात अवश्य कहूंगा, तुम बड़े ही कृतज्ञ हो। पूर्व में तुम हमें ये कहकर सताते रहे कि तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, मुझे मुक्ति दिलवा, और अब जब हम तुम्हें मुक्ति दिलवाने के लिए तुम्हारा पिंड दान करवाने यहां लेकर आए तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए और अपने कष्टों का दोष हम पर मार रहे हो। अरे, ऐसी कष्टप्रद मुक्ति किसे चाहिए? बंद करो ये अपना रोदन और विलाप, अब चलो यहां से। नहीं, नहीं, मैं नहीं चलूंगा आपके साथ। नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं नहीं चलूंगा। हाँ। अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगे? नहीं। नहीं पुत्र सुबोध, पूजा के स्थान से उठने पर पूजा अधूरी मानी जाती है, इसीलिए तुम्हें ही नहीं हम सभी को भी यहाँ स्थित होकर रहना होगा। मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। कोई पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। असत्य कहना भी पाप होता है, और अब तुम वही पाप कर रहे हो। तुम हमारा बहुत समय व्यर्थ कर चुके हो ज्ञानारी, और हमारा समय व्यर्थ हो ये हमें कदापि स्वीकार नहीं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या किया आपने? आपने ज्ञानारी जी के यातना शरीर को ही चीर दिया, उनका अंत कर दिया आपने। अब उन्हें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? ये
नारी जी के पिशाच को उनके पिशाच होनी से मुक्ति दिलाने लाए थे यहाँ। उनका पिंडदान संपन्न होने से वो प्राप्त भी हुई उन्हें और उन्होंने यातना शरीर धारण किया, किंतु तभी आप दोनों ने उनका वध कर दिया। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी, यहाँ जो भी हुआ वही होने का विधान है। हमने कुछ भी अनुचित नहीं किया। यातना शरीर यातना पाने के लिए ही धारण किया जाता है। ज्ञानारी ने अपने जीवन में जो भी पाप कर्म किए हैं उसके दंड स्वरूप उसको यातना भोगने के लिए ही ये यातना शरीर दिया गया है। किंतु आपने तो उसका अंत कर दिया है, फिर अब वो कैसे दंडित होगा? प्रणाम देवी सेनापति कुमार कार्तिकेय। मृत्यु की असहनीय यातना अनेकों बार सहेगा ये। इस भयंकर यंत्रणा के बाद पुनः और यंत्रणा देने के लिए इसे बार बार पुनर्जीवित करेंगे। किंतु इनके यातना शरीर को इस प्रकार जीवन मरण के चक्र में क्यों डालेंगे आप? दुरात्मा है ये, अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं इसने। ऐसे पापियों के पाप कर्म का यही परिणाम होता है, बार बार मृत्यु का कष्ट भोगेगा ये। जब तक अपने पापों का समुचित दंड नहीं प्राप्त कर लेता तब तक ऐसे ही अपने पापों का दंड भोगता रहेगा। ऐसी भयंकर यंत्रणा देकर इसे यमलोक लेके जाएंगे हम। इसका कण कण हाहाकार कर उठेगा। अपार पीड़ा का अनुभव हो रहा है मुझे, जैसे जैसे किसी ने खड़क से मेरे वक्ष पर वार कर दिया हो। किंतु मेरे शरीर पर कोई घाव शेष क्यों नहीं? मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहा है? नवीन प्राण अवश्य फूकेंगे इसके शरीर में, किंतु पूर्व के कष्ट निरंतर सताएंगे इसे। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मृत्यु भोगेगा, जीवित होगा उसकी कल्पना मात्र से इसका हृदय कांप उठेगा। ऐसी यातनाएं सहेगा ये, इन यातनाओं का कष्ट इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उन कष्टों का निरंतर अनुभव करेगा ये, जो प्रत्येक यातना के बाद और बढ़ते जाएंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि दुराचारी हंसते हंसते पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, अपने पाप कर्मों का विचार नहीं करते और वो ये मानने की भूल करते हैं कि ईश्वर की दृष्टि उन पर नहीं है। और जो ईश्वर के अस्तित्व को नकार जाने का दुस्साहस करते हैं, समय आने पर इतनी यातना उनको भोगनी पड़ती है कि वो रुदन करते करते थक जाते हैं, उनके अश्रु सूख जाते हैं, पर उनके कष्ट कम नहीं होते। ऋषिवर, मैं तो पूर्व से ही प्यास से तड़प रहा हूं, तो अब रुदन करने के लिए अश्रु कहां से लाऊंगा? ज्ञानारी जी, अब तो आपके लिए यही एकमात्र मार्ग शेष है, इसलिए संघर्ष कर इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास मत कीजिए। दुर्भाग्यवश जो पाप आपने किए हैं उनका परिणाम भुगतना तो आपके लिए अनिवार्य है ज्ञानारी जी। अब चलो हमारे साथ, जितना विश्राम प्राप्त होना था हो चुका, आगे का मार्ग अत्यंत ही कठोर है। ये कैसा द्वार खुल रहा है मेरे समक्ष? चलो आगे बढ़ो। नहीं, मैं इस भयंकर द्वार में प्रवेश नहीं करना चाहता। गणेश जी, आप और कुमार कार्तिकेय
मुझे यहाँ तक लेकर आए, मुझे मेरी पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने में मेरी सहायता की। अब एक और याचना है मेरी, आप अपनी दिव्य दृष्टि से मेरे गंतव्य लोक तक, जो जो अवश्य नरक ही होगा, मेरे इस आगामी यात्रा में प्रत्यक्ष दर्शी बने, जिससे आपके माध्यम से संसार भी मेरी इस दुर्गम यात्रा का साक्षी बन सके, मेरे इस उदाहरण से सीख पाकर अन्य जीव पापों से दूर रहने के लिए प्रेरित हो, और प्रभु मेरे पुत्र को इस यात्रा का विवरण दीजिएगा, मैं अपने जीवन में उसे कुछ उचित सिखा नहीं सका, किंतु कदाचित मेरी मृत्यु के पश्चात तो उसे कुछ सिखाने में समर्थ होऊंगा। प्रभु मैं अपने संपूर्ण जीवन में आपको भला बुरा कहता रहा, आपको क्षति पहुंचाने का प्रयास करता रहा, किंतु आपने मुझे इस पिशाच योनि से मुक्त कराकर मुझ पर उपकार किया। आप अत्यंत दयालु हैं प्रभु, सभी देवताओं से भिन्न हैं, इसीलिए तो आप अग्रणी हैं, प्रथम पूजनीय हैं प्रभु, प्रथम पूजनीय। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, इसलिए जो हुआ सो हुआ, अब आप दंड सहकर अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए और स्मरण रखिए निराशा के गहन अंधकार का अंत आशा की प्रकाश की किरण से अवश्य होता है। ज्ञानारी जी के जीवन की यात्रा तो समाप्त हो गई, किंतु अब तो यात्रा आरंभ हुई है, उसे पूर्ण कर यमलोक तक पहुंचना ज्ञानारी जी की आत्मा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब हमें आज्ञा दीजिए गणेश जी और कार्तिकेय जी, हमें ज्ञानारी को आगे लेकर जाना है। किंतु आप दोनों इन्हें कहाँ लेकर जाएंगे? पृथ्वी लोक से यमलोक के इस दीर्घ पथ को महापथ कहते हैं गणेश जी, इसकी आत्मा को यातना शरीर के साथ महापथ पर पड़ने वाले 16 पुरों के पार लेके जाएंगे हम। 16 पुर? किंतु इन पुरों में आत्मा के साथ क्या होता है? प्रत्येक पुर में मृत आत्मा अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती है। जीवन में सत्कर्म करने वाली आत्मा को सुफल प्राप्त होता है और दुरात्मा को यहाँ पग पग पर भयंकर दंड प्राप्त होते हैं। ऐसे कष्ट जिनमें से एक को भी भोगने पर आत्मा चित्कार कर उठती है, कहीं प्रचंड अग्नि में भस्म होता है वो, तो कहीं अन्य भक्षक जीव उसके शरीर के अंगों को नोच नोच कर अपना आहार बनाते हैं, कहीं उस पर अस्त्र शस्त्र शिलाओं आदि से प्रहार होता है, तो कहीं उसे कांटों कंकड़ आदि से भेदे जाने पर विवश होना पड़ता है। इन सब में उसका यातना शरीर पकड़े हुए सांप की तरह छटपटाता है, किंतु पग पग पर भयंकर कष्टों को सहकर दारुण स्वर में विलाप करते हुए आगे बढ़ने पर लाचार होता है। तो जब उसकी आत्मा अपने समस्त कर्मों के फल को भुगत कर उन 16 पुरों के पार पहुंच जाएगी तो उस यातना शरीर का क्या होगा? 16 पुरों को पार करने के पश्चात ज्ञानारी का यातना शरीर हमारे प्रभु यमराज के समक्ष प्रस्तुत होता है, जहां वो इसके कर्मों के अनुसार उपयुक्त स्थान का निर्णय लेंगे। यदि इसके दंड के उपरांत भी उसके बुरे कर्म शेष रहे तो वो नरगामी होगा, किंतु यदि सत्कर्म शेष रहे तो वो स्वर्ग जाने का भागी बनेगा। अब हमें आज्ञा दीजिए प्रभु, ज्ञानारी अब प्रथम पुर तक पहुँच रहा होगा। 16 पुरों की जो इसकी कठिन और दीर्घ यात्रा जो आरम्भ हो रही है वो पूर्ण होगी 384 दिवसों में। चौरासी दिवस, इतनी दीर्घ यात्रा? किंतु मैंने तो माँ को वचन दिया था कि मैं शीघ्र अति शीघ्र लौटूंगा। भैया आपको तो ज्ञात ही है, हम ज्ञानारी जी को शीघ्र मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे,
जिससे शीघ्र यहाँ आकर आपको एवं पिताश्री को मिलाने का प्रयास कर सके। माँ, ऋषि जगश्वी भी मरणासन्न अवस्था में है, माँ अकेली है। हमें पिताश्री को भी काशी लौटाने का कोई उपाय ढूंढना है, किंतु यहाँ भी ज्ञानारी और सुबोध के भले के लिए ज्ञानारी जी को दिए वचन से बंध गया हूँ मैं। उनकी यात्रा संपन्न होने तक यहीं रहना होगा मुझे। अब इस दुविधा को कैसे सुलझाऊं मैं, यहाँ भी कैसे रहूं और काशी लौटकर माँ को दिया वचन कैसे पूर्ण करूं मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ईश्वर, प्रभु शीघ्र ही लौटते होंगे। ओम नमः शिवाय। स्वामी, पुत्र गणेश और कार्तिकेय शीघ्र यहाँ लौटेंगे और फिर वो आपके अंश को यहाँ मुझ तक लाने का कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेंगे। प्रभु गणेश जी, क्या आप मेरे पिताश्री को देख पा रहे हैं? तो मुझे बताइए ना, कहाँ पहुँचे हैं वो? अवश्य सुबोध। हाँ वत्स सुबोध, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से ज्ञानारी जी को देख पा रहा हूँ। वो एक अनंत अंधकार की गहराई में गिरते चले जा रहे हैं। नहीं, नहीं, नहीं! क्या हुआ गणेश, अब क्या देखा तुमने? उठो, अभी तुम्हें महापथ पर हम लोग की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ करना है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, क्षमा करो मुझे, इतनी भीषण पीड़ा नहीं सह सकता मैं, छोड़ दो, दया करो मुझ पर, दया करो, छोड़ दो, हाँ छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। अभी हम दूत ज्ञानारी जी को अपने पाश में बांधकर कांटों, बांबियों और कंकड़ से भरे मार्ग पर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। पुत्र सुबोध, अब आपके पिता एक नदी के तट पर पहुंचेंगे। अब हम पुष्प भद्रा नदी के तट पर हैं। अग्नि की समान ताप है इसका। इसके प्रचंड ताप से झुलस रहा हूं मैं। जल जल जल, प्यास 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 लगी है मुझे, जल दे दो मुझे, बहुत बहुत प्यास लगी है। पुत्र, अब आपके पिता का यातना शरीर पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंच चुका है, जहां आपके द्वारा दिया गया पिंड दान उनका भोजन बनेगा और तर्पण का जल प्राप्त होगा। इदं पिंडं ते मया दियन्ते तो प्रतिष्ठन्ताम्। भूख भूख और प्यास तो मिट गई, किंतु 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 मेरा कष्ट नहीं मिटा। मेरा संपूर्ण तन कष्ट में है, जहां तो जैसे पुनः
मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहा हूँ। अभी से इतना विलाप कर रहे हो? अभी तो तुम्हारी यात्रा आरंभ भी नहीं हुई क्या नारी? ये जन तो अपने दांत से प्रताड़ित कर रहा है मुझे। कष्ट तो बढ़ते जा रहे क्षमा करो मुझे, दया करो मुझ पर। मैं ये कष्ट और नहीं सह सकता, नहीं सह सकता। मैं ये यमपुर है, महापथ पर पड़ने वाला पहला पुर, जहाँ उन आत्माओं को दंड दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने माता पिता का अपमान किया हो। नहीं, मैंने अपने माता पिता का कभी अपमान नहीं किया था, हमने तो सम्मान किया है, कभी अपमान नहीं किया। ज्ञानारी जी, यमदूतों से असत्य वचन कहना व्यर्थ है, उनसे आपका कोई सत्य छिपा नहीं। क्या हुआ प्रभु गणेशी? मेरे पिता कुशल तो है ना? नहीं वत्स सुबोध, अब वो याम्यपुर पहुंच गए हैं, जहां उन्हें अपने एक पाप का भीषण दंड प्राप्त होगा। सत्य कहो, क्या तुमने कभी अपने माता पिता का अपमान किया था? किया था। बहुत बुरा पुत्र था मैं, जब बाल्यावस्था में था अपने पिता का अपमान और तिरस्कार करने का अपराध किया था मैंने। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो मुझे। और कोई पाप नहीं किया मैंने, तो क्या आप दोनों मुझे यमराज के समक्ष प्रस्तुत करेंगे? नहीं, गदा का प्रहार मत कीजिए, नहीं। गणेश, अब क्या अपनी दिव्य दृष्टि से तुम कुछ देख पा रहे हो? ज्ञात नहीं भैया, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ तो सर्वत्र अंधकार छाया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भैया वहाँ। ऐसे अंधकार का अर्थ तो ये है कि वो शौर्यपुर पहुँच चुके हैं। ऋषिवर, वहाँ आत्माओं के साथ क्या होता है? ऐसा सुना जाता है वत्स कि शौर्यपुर के राजा अत्यंत भयंकर हैं और उसके दर्शन मात्र से आत्मा भयभीत हो जाती है, और कुछ यातना शरीर तो वहां से आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। ये कहां आ गया मैं? यहां तो सर्वत्र अंधकार ही अंधकार है। ज्ञानारी, क्या तुमने अपनी मनुष्य योनि में कोई सत्कर्म कार्य किए थे? हत्या का महापाप किया है तुमने,
धर्म कर्म में लीन ऋषि मुनियों की हत्या की है तुमने। सॉरी पुरी में अब तुम्हें तुम्हारे इस महा अपराध का दंड प्राप्त होगा। तुम्हें तो अब मेरी भीषण अग्नि का प्रकोप सहना पड़ेगा। मैं इस अग्नि से भस्म हो रहा हूँ। क्षमा करो मुझे, क्षमा करो, क्षमा करो। मैंने अपने जीवन में इतने इतने दुष्कर्म क्यों किए? मैं बस बोल रहा हूँ इस अग्नि से बस बोल रहा हूँ मैं। शांत करो इस अग्नि को। अग्नि तो शांत हो गई किंतु उसका कष्ट और पीड़ा अभी भी हो रही है मुझे। ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे इस अग्नि से तप रहा हूँ मैं। जल 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 दो मुझे, मुझे बहुत बहुत प्यास लगी है। चार देवंग रहागण गुणगण विशेषण इदम विशिष्टायम स्वपुण्यतिदो इदम पिंडम ते मया दियंते तो प्रतिष्ठन्ताम। चलो उठो, तुम्हारा विलाप सुनने का व्यर्थ समय नहीं है हमारे पास। अभी हमें आगे बढ़ना है, नागेंद्र भवन पहुंचना है। दो क्षण का तो अवकाश दे दो मुझे, तनिक तनिक विश्राम करने दो। तुम जैसे पापियों के लिए कोई विश्राम नहीं है। चलो आगे बढ़ो, नहीं तो तुम पे वार करके आगे चलने पे विवश करेंगे। वो तृतीयपुर नगेंद्र भवन पहुंच गए हैं, जहां ज्ञानारी जी को अपने जीवन काल में कोई भी यज्ञ ना करने का दंड प्राप्त हो रहा है। ये भेड़िए, ये कहा जाएंगे मुझे? अब वो चतुर्थपुर गंधर्व नगर पहुंच गए हैं, जहां ज्ञानारी जी ईश्वर की पूजा में अवरोध उत्पन्न करने के लिए दंडित हो रहे हैं। अब वो पंचमपुर शैलागमपुर में है, जहां ज्ञान कर्म और धर्म के मार्ग से भटकने का परिणाम भुगत रहे हैं ज्ञानारी जी। नहीं, वो षष्टमपुर क्रोंचपुर में है, जहां अपने ही पुत्र एवं अपने राज्य के अन्य बालकों को प्रताड़ित करने के दंड स्वरूप ज्ञानारी जी पर भीषण गदा प्रहार हो रहा है। अब वो सप्तमपुर क्रूरपुर को पार कर आठवें पुर विचित्र भवन में है, जहां ज्ञानारी जी को तपते कोयले के अंगार पर स्थित होकर स्त्रियों के अपमान का दंड भोगना पड़ रहा है। जल जल दो मुझे, भोजन भोजन दो मुझे। आ, 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 आ।
जल जल दो मुझे, भोजन भोजन दो मुझे, मुझे मुझे बहुत प्यास लगी है, जल दो मुझे। हम वैतरणी नदी के तट पर पहुंच चुके हैं। हमें इस नदी को पार करना है। मेरे कष्टों में कुछ तो विराम होगा। अब इस नदी को पार करते समय मैं इस नौका पर तनिक विश्राम तो कर सकूंगा। तुम इस नौका पर आरूढ़ नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें अपने जीवन में कुछ पुण्य करने चाहिए थे। कहो, तुमने कभी कोई पुण्य किया था? प्रणाम। मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? हाँ, इस ब्राह्मण को नौका में लेकर जा रहे हो, मुझे क्यों नहीं? वैतरणी नदी को सुगमता से वही पार कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं। मात्र वही नौका से वैतरणी को पार कर सकते हैं। ऐसी आत्मा को स्वयं गौ माता वैतरणी पार करने के लिए प्रकट होती हैं और उसका यातना शरीर उसी दिव्य गौ की पूंछ पकड़कर सुगमता से वैतरणी नदी के उस पार पहुंच जाता है। क्या तुमने अपनी जीवन में कभी सत्कर्म या गोदान का पुण्य कमाया है? नहीं, नहीं। तब तुम्हें कोई अधिकार नहीं इस नौका पे आने का। मैं ये वैतरणी नदी कैसे पार करूंगा? मेरी यात्रा कैसे पूर्ण होगी? वैतरणी नदी तो तुम्हें पार करनी होगी, किंतु नौका पर नहीं। ये अच्छा संकेत नहीं है। किंतु क्यों ब्राह्मण देवता? क्योंकि अब यहाँ से वैतरणी नदी प्रारंभ हो गई और ये वैतरणी नदी तो मांस मदिरा का आहार करने वाले जीव जंतुओं से भरी पड़ी है। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञानारी को वैतरणी नदी तो पार करनी ही होगी, किंतु इस प्रयास में उनकी यातना शरीर की यदि मृत्यु हो गई तो यमदूत उसे पुनः जीवित करके उनकी ये यात्रा पुनः प्रारंभ करेंगे। ज्ञानारी जी को बिना प्राण खोए एक ही प्रयास में वैतरणी नदी को पार करना होगा, अन्यथा यमदूत उन्हें बार बार जीवित करते रहेंगे और ज्ञानारी जी को आरंभ से पुनः अपनी यात्रा आरंभ करनी होगी। धन संपदा माया और मोह सब पीछे छूट जाता है, साथ जाता है व्यक्ति का धर्म कर्म और ईश्वर की सच्ची भक्ति।